यहाँ पर आपके सामने आपकी RDP ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। सबसे पहले रैम चेक करवा देता हूँ आपको। सिंपल दिस PC पर आकर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर हमें पता लग जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हो हमें 6 GB की रैम मिलती है इस RDP के अंदर, और AMD का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। तकरीबन 150 MB तो मैंने चेक की थी भाई साहब, 200+ यहाँ पर इंटरनेट स्पीड हो गई है। तो ये रात का टाइम है, दिन के टाइम आपको मजीद यहाँ पर तेज स्पीड देखने को मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इजीएस्ट विंडोज RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जिस वेबसाइट के आज हम फ्री RDP क्रिएट करेंगे, वो वेबसाइट क्लेम करती है कि हम ये वाली RDP लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और विदाउट क्रेडिट कार्ड के आप ये RDP फ्री में क्रिएट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि ये वेबसाइट आपको NVMe वाली स्टोरेज प्रोवाइड करती है इस फ्री RDP में, जो आपकी फ्री RDP की स्पीड काफी ज्यादा इनहेंस कर देगी। मतलब के आपकी RDP काफी ज्यादा फास्ट चलने वाली है। अगर आप YouTube या गूगल में सर्च कर रहे हो हाउ टू गेट फ्री RDP इन 2024, या आप गूगल या YouTube में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री RDP, तो आज के बाद आपको ये सब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही वाली RDP आपकी तमाम जरूरत पूरी कर देगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने किसी ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है freerdps.com, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग नजर आ रहे हैं, freerdps.com। ये फ्री RDP होस्टिंग वाली वेबसाइट नहीं है, ये कोई और है, आप स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है। ये आपने सर्च करना है, उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, फ्री RDP होस्टिंग सर्वर, नो साइन अप, नो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये वो वाली वेबसाइट नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फ्री RDP होस्टिंग वाली वेबसाइट और है, ये और है, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेना है, और इस फर्स्ट वेबसाइट को आप न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस मिलेगा। मेन हाईलाइट इनकी ये है, फ्री RDP सर्वर है फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये वेबसाइट खुद क्लेम कर रही है। और यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है स्टार्ट विद आवर टोटली फ्री RDP सर्वर ट्रायल, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डजंट रिक्वायर एनी क्रेडिट कार्ड डिटेल, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह RDP आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो, और इसको बनाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं तो मजीद यहाँ पर आप देखें 1 GPS यानी कि 1000 MB का ये इंटरनेट क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। आप मजीद इनकी यहाँ पर डिटेल वगैरह देख सकते हो, आप इनके पेड प्लान भी बाय कर सकते हो अगर आपको इनकी ऑफर अच्छी लगे। जैसे कि यहाँ पर ये लिनक्स वर्जन है, यहाँ पर आपको 32 GB रैम मिलती है, तो ये आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो इनकी फ्री RDP है। तो फ्री RDP हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल फ्री विंडोज RDP पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री विंडोज RDP ट्रायल, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, और ये आपको ले आएगा इनके प्लान वाली जगह पर, ठीक है। यहाँ पर देखें ये स्टार्टअप वाला प्लान है और ये एजेंसी वाला प्लान है, दोनों फ्री है। फर्स्ट मंथ आपको इसके अंदर भी फ्री मिलता है और इसके अंदर भी फ्री मिलता है, लेकिन ये जो उनका इनका प्लान है ना, यहाँ पर देखें यस आई वांट प्रीमियम ट्रायल, ये प्रीमियम ट्रायल है जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपको फुल एडमिन एक्सेस मिलती है, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड NVMe की SSD हार्ड ड्राइव मिलती है, और यहाँ पर देखें आप अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है यानी कि फास्ट इंटरनेट, और आपके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप अकेले इस IP एड्रेस को यूज कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब आप इसको यूज कर सकते हो। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम ये वाला प्लान यूज करेंगे। इसमें आपको एडमिन एक्सेस नहीं मिलती, लेकिन काफी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको 10+ प्री इंस्टॉल ऐप मिलती है, मतलब कि आपके जो जरूरत के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, SSD हार्ड ड्राइव मिलेगी आपको, जो कि काफी ज्यादा फास्ट वर्क करती है, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंडो सर्वर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल लॉन्च ऐप नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस वाले इंटरफेस पर ले आएगा। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं वीडियो ला रहा हूँ GitHub फ्री
GitHub से रिलेटेड। अब मेरी काफी सारी वीडियो GitHub से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाली है, काफी ज्यादा यहाँ पर GitHub से रिलेटेड मैंने RDP की वीडियोस अपलोड की हुई है। अब उसमें इशू आता है, कुछ भाई लोग कहते हैं कि हमारी RDP नहीं बन रही, हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मेन जो एरर आता था वो आता था अनवॉच 1 का। तो जो मैं न्यू वीडियो लाने वाला हूँ उसके अंदर मैंने आपको GitHub से रिलेटेड जितने भी आपको एरर्स वगैरह आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका बताया है। और उसी वीडियो में मैंने आपको USA की फ्री RDP क्रिएट करना सिखाई है GitHub के थ्रू, ठीक है। 16 GB की आपको उसमें रैम मिलेगी और बेहतरीन किस्म का आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम मिलेगा। तो वो वीडियो आपने लाजमी से देखनी है। जितने भी आपको GitHub फ्री RDP को बनाने में एरर आते हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। जिनके आज तक GitHub की फ्री RDP नहीं बनी, उन सब की वो वीडियो देखने के बाद फ्री RDP लाजमी बन जाएगी। तो आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी से देखनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपनी आज की RDP की तरफ। तो जैसे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस यूजर नेम को आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर देखें लॉन्च ऐप नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम मांगेगा। तो अभी आपने ये यहाँ से यूजर नेम को कॉपी किया था, उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी करना है। याद रहे आपने कॉपी पेस्ट करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम पासवर्ड ऐड कर देते हैं। पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, जब आप लॉग इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने कोई सा एक सर्वर सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे वाला। सिंपल मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपके सामने आपकी RDP ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। सबसे पहले रैम चेक करवा देता हूँ आपको। सिंपल दिस PC पर आकर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर हमें पता लग जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हो हमें 6 GB की रैम मिलती है इस RDP के अंदर और AMD का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो सिंपल यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको स्टोरेज भी मिलती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तकरीबन 250-300 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाएगी, जो आपकी हर चीज को सेव करने के लिए इनफ है, ठीक है। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर आपके सामने आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा क्रोम ब्राउजर। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपने इस RDP के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने इसके अंदर कोई भी अपनी पर्सनल चीज ओपन नहीं करनी, ठीक है। जो भी आपने काम करना उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आने के बाद जब आपका काम कम्प्लीट हो जाए आपने हिस्ट्री लाजमी से डिलीट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि मजीद लोग, जब आप इस RDP को बंद कर दोगे तो कोई और इस सर्वर को कनेक्ट कर लेगा, तो वो वहीं से उसको ये वाली RDP मिलेगी जहाँ से आपने उसको थोड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर उसका जीमेल भी लॉगिन है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल आपको मैं यहाँ पर इसका IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले माई IP एड्रेस लोकेशन पर चलते हैं। यहाँ से हम ये सर्च कर लेंगे माई IP एड्रेस लोकेशन और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम क्या करेंगे, इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो अभी हमें सर्वर मिला है वो मिला है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ गई है यार, चेंज करते हैं इसको। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमें इस टाइम सर्वर मिला है वो मिला है नेदरलैंड का, और बाकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो मैंने पहले RDP क्रिएट की थी उसमें मुझे जो लोकेशन मिली थी वो मिली थी जर्मनी की। मतलब ये है कि जब भी आप RDP क्रिएट करोगे आपको डिफरेंट प्रीमियम कंट्रीज की यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। इंटरनेट चेक कर लेते हैं, गूगल में आएंगे। गूगल में आके यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं fast.com। यहाँ पर यह वेबसाइट मैंने सर्च कर लिया। सिंपल इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। देख लेते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिलेगी। तकरीबन 150 MB तो मैंने चेक की थी भाई साहब, 200+ यहाँ पर इंटरनेट स्पीड हो गई है। तो ये रात का टाइम है, दिन के टाइम आपको मजीद यहाँ पर तेज स्पीड देखने को मिल जाएगी। ये आपके लिए इनफ स्पीड है भाई साहब, 220 MB भी ये कम स्पीड नहीं है। अब आप इसके अंदर अपना कोई सा भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल हम गूगल यूट्यूब में आते हैं, यहाँ पर आकर मैं कोई भी वीडियो चला सकता हूँ, जो चीजें मैं यूज करना चाहूँ वो इजीली मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा लैग भी नहीं करती, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये साथ साथ रिस्पॉन्स कर रही है। आप इस फ्री RDP के अंदर अपना कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो। जब आपका काम कम्प्लीट हो जाए आप इस वेबसाइट को बंद भी कर सकते हो। अगले दिन आकर आप फिर दोबारा सेम तरीके से आप इसको लॉगिन कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए, जो भी आपने काम किया हो आपने अपनी हिस्ट्री को रिमूव कर देना लाजमी से, ताकि जब आप ये RDP को बंद करें कोई और बंदा इसको लॉगिन करे तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज किसी को ना मिल जाए।
ठीक है, ये आपने लाजमी से ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपने अगली वीडियो लाजमी से देखनी है जो गिटहब से रिलेटेड होगी। जितने भी आपको एरर्स आते हैं गिटहब की फ्री आरडीपी बनाने में, वो तमाम सोल्व हो जाएंगे वो वीडियो देखने के बाद। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।